नमस्कार दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल जोशना मोबाइल केयर में आप सभी को स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हमारे पास रियलमी 5 का एक मोबाइल आया है जिस पे दोस्तों प्रॉब्लम है, ये सेट पूरी तरह से डेड है। तो चलिए दोस्तों पहले हम मोबाइल को चेक करते हैं कि उस पे क्या प्रॉब्लम से ये सेट पूरी तरह से डेड है। तो पहले हम दोस्तों उसका बैटरी को चेक करेंगे कि उसका बैटरी पर कितना वोल्टेज है। तो हमारे मल्टीमीटर को हम डीसी वोल्टेज की मोड में सेट करके उसका वोल्टेज को, पहले बैटरी का वोल्टेज को चेक करेंगे। यहाँ से देखिए, यहाँ से 4 पॉइंट समथिंग वोल्टेज आ रहा है, यानी कि हमारी बैटरी का वोल्टेज ओके है। अब हमारे मल्टीमीटर को बजर की मोड में सेट करके हम मदरबोर्ड को चेक करेंगे। ये देखिए, ये हमारी मदरबोर्ड दोनों तरफ से बीप आ रहा है, यानी कि हमारी मदरबोर्ड कहीं से शॉर्ट हो जाने से ये सेट पूरी तरह से डेड हो गई है। तो पहले हम दोस्तों मदरबोर्ड को कम्प्लीटली ओपन करेंगे और उस पर चेक करेंगे कि उस पर कहाँ से शॉर्ट हो जाने से ये सेट पूरी तरह से डेड हो गई है। इसके लिए दोस्तों आपको एक डीसी पावर सप्लाई चाहिए जो कि 5 एम्पियर होना चाहिए, और डीसी पावर सप्लाई को आप 4.2 वोल्टेज में सेट करके और एम्पियर को 5 एम्पियर में सेट करके उस पर बूट केबल से आप चेक करेंगे कि उसका जो शॉर्ट है आपको जल्द से पता चल जाएगा, या फिर आप यहां से आपकी शॉर्ट किलर यूज कर सकते हैं। तो यहां से दोस्तों पहले हमको उसका पीएमआई सेक्शन को चेक करना है। हमने जब इसको पहले बूट केबल लगा के चेक किया था तो उसका पीएमआई सेक्शन थोड़ा हीट हो रहा था। तो पहले हम दोस्तों उसका पीएमआई सेक्शन को ओपन कर देंगे। इस तरह से ओपन करके उस पर चेक करेंगे कि उस पर क्या पार्ट्स हीट हो जाने से ये सेट डेड है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे पास मैकेनिक का बूट केबल है। यहाँ से हमारी बूट केबल को लगाएंगे और हमारी जो डीसी पावर सप्लाई है उस पर 4.2 वोल्टेज में सेट करके और एम्पियर को 5 में सेट करके यहाँ से चेक करेंगे कि यहाँ से क्या पार्ट्स हीट हो रही है। ध्यान में रखें दोस्तों, ये जो हमारी बैटरी कनेक्टर पे डायरेक्टली शॉर्ट है, ये प्राइमरी लाइन का शॉर्ट है, ये सेकेंडरी लाइन का शॉर्ट नहीं है। तो पहले हम उसका प्राइमरी सेक्शन यानी कि पीएमआई सेक्शन को पहले चेक करेंगे। तो पहले हम दोस्तों उसका जो पीएमआई सेक्शन है, पीएमआई 632 आईसी जो लगी है, उसका जो ऊपर का टीन का बॉर्डर है उसको पहले हम एसएमडी से उसको ओपन करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि उस पर क्या कंपोनेंट से वो शॉर्ट है। आज मैंने जो वीडियो बनाया हूँ दोस्तों, आप प्राइमरी लाइन के जो शॉर्ट होती है उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं इजी मेथड से, ये ट्रिक है दोस्तों। और आगे मैं और एक वीडियो बनाऊंगा जो कि सेकेंडरी लाइन को शॉर्ट होती है उस पर आप कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए और एक वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए दोस्तों हम माइक्रोस्कोप में इसको चेक करते हैं कि इस पर क्या प्रॉब्लम से ये सेट शॉर्ट है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी पीएमआई 632 आईसी है। जब हमने इस पर डीसी पावर सप्लाई लगाई तो यहाँ से कुछ कंपोनेंट्स हीट हो रहे थे, तो उसके लिए इसका जो टीन का बॉर्डर है हमको ओपन करना बहुत ही ज़रूरत है। तो इसी तरह से आप ओपन करेंगे और इसको हम चेक करेंगे कि इस पर क्या कंपोनेंट्स शॉर्ट हो जाने से ये सेट पूरी तरह से डेड हो गई है। तो आज हम दोस्तों ये जो शॉर्ट है उसको फाइंड करने के लिए हम रोजिन मेथड की सहायता करेंगे। Thank you.
तो यहाँ से दोस्तों थोड़ा रोजिन को हम यूज़ करेंगे। जो रोजिन हमारी है वो काफ़ी हार्ड हो गई है, इसलिए इसको SMD की सहायता से पूरी तरह से इसको मेल्ट कर दीजिए। और मेल्ट करने के बाद यहाँ से थोड़ी जो क्लीनर है उसको डालने से वो पूरी तरह से आपकी कूल हो जाने की आप वेट करेंगे। जब आपकी मदरबोर्ड पूरी तरह से ठंडा हो जाए, जब आपकी मदरबोर्ड पूरी तरह से कूल हो जाए उस टाइम पे आपको आपकी DC पावर सप्लाई की बूट केबल को लगाना है और उस पर चेक करना है कि उस पर कौन सी कंपोनेंट्स हीट हो रही है। ये हमने हमारी DC पावर सप्लाई की केबल लगा दी और यहाँ से जो देखिए वो जो कॉयल के पास है जो कैपेसिटर है वो थोड़ी थोड़ी सी, यहाँ से देखिए ये जो कैपेसिटर है वो हीट हो रही है। आप उसका साइड से देख सकते हैं वो थोड़ा थोड़ा सा कैसे हीट हो रहा है। तो पहले हम दोस्तों वो कैपेसिटर को कम्प्लीटली यहाँ से चेंज करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि हमारी मदरबोर्ड जो शॉर्ट था वो ओके हो गया या नहीं हुआ। ये कम्प्लीटली हमने जो कैपेसिटर हमारी हीट हो रही थी वो कैपेसिटर को ओपन कर दिया है और यहाँ से हम अब चेक करेंगे कि हमारी जो मोबाइल का मदरबोर्ड शॉर्ट था उसको ठीक हो गया या नहीं हुआ। ये देखिए दोस्तों ये कम्प्लीटली यहाँ से हमारी जो मोबाइल का मदरबोर्ड है वो कम्प्लीटली ठीक हो गया है। दोस्तों ये कैपेसिटर शॉर्ट हो जाने से ये सेट पूरी तरह से डेड हो गई थी। तो अब दोस्तों हमको मोबाइल की मदरबोर्ड को मोबाइल से सेट करके हमको चेक कर लेना है कि हमारी जो मोबाइल डेड कंडीशन में था वो ऑन हो गया या नहीं हुआ। ये देखिए दोस्तों ये जो मोबाइल हमारी Realme 5 कम्प्लीटली डेड था, शॉर्ट था हमारी मदरबोर्ड, वो कम्प्लीटली ऑन हो गई। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो पर।